गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास एट मैथ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4931 को हमें क्या करना है, इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है जिससे कि जो हमारा नंबर मिलेगा हमें वो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करने के लिए कोई चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है। अब क्या ऐड करनी है, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है, उस लिस्ट नंबर को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करने का मेथड आपका वही है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ भी पूछता है कि किस नंबर से डिवाइड करें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या करेंगे उसमें, सिंपली आपका जो कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। और जिसमें आपको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना पूछा जाता है कि किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या किस नंबर को हम ऐड करें, तो उसमें सिंपली हम क्या करेंगे, आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 4931 का क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट। ओके, तो सी क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नंबर से आपका क्या 4931। ठीक, तो इस 4931 का हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहला वर्क आपका वही है, पेयर बनाना है। ठीक, अब पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49। राइट, 7 7 जा 49। अब 49 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, अब मैं 7 को यहाँ पे ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 7 14। और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या बचता है, 31। ठीक है, मैंने 31 यहाँ पे राइट किया। अब एक चीज़ मुझे दिखा बताइए कि अगर मैं इसमें वन टाइम भी इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे वन राइट करता हूँ, यहाँ पे ही वन राइट करता हूँ, वन टाइम भी डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 141। ओके, 141। बस बेटा एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो भी ऐड करने वाला सम होगा, जिसमें हमें ऐड करने के लिए पूछा होगा, तो हम जब डिवाइड करेंगे, तो जब भी डिवाइड करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारी नीचे वाली डिजिट्स होती है वो हमेशा उससे अपर वाले से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब जितना इसका डिफरेंस होगा वही चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 -1 0, 4 -3 1, एंड हेयर 1। तो इनका जो डिफरेंस होगा 144 और 31 का, वो कितना हो गया, 110, ये आपका डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस को अगर मैं इस नंबर्स में ऐड कर दूं, तो हमारी जो डिजिट आएगी वो आपकी क्या आएगी, परफेक्ट स्क्वायर डिजिट आएगी। ओके, सो 110 इज अ लीस्ट नंबर विच इज added to 4931 to make it a perfect square। ओके, सो 110 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको मैं 4931 में अगर ऐड करूँगा तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम ऐड करने वाला सम्स देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपका, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5607 टू मेक द सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम आपका यही सवाल है, सेम आपका यही सम है ना, जैसे आपने इसमें फाइंड किया था कि किस चीज़ को हम इसमें ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे कह रहा है वो। एंड देन फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट।
अब इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड करवा रहा है और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करवा रहा है, ठीक है। कब? पहले हमें ये फाइंड करना है कि उसमें क्या नंबर ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड होगा उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में थोड़ा डिफरेंस था, ऐसे इसमें है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है? नंबर है आपका 5607, राइट। ये है सबसे पहला वर्क आपका, वही होता है पेयर बनाने हैं। पेयर आपके बन गई, ठीक। अब देखते हैं 7 7 49, 8 8 64। अब 8 8 64 तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो 7 7 49, ओके 7 7 49। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 16 - 9 कितना आएगा यहाँ पे आपका? 7 है, 4 4 - 4 0। क्या राइट करेंगे यहाँ पे? नया पेयर हम राइट करेंगे। अब इस 7 को हम यहाँ ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 7 40, ठीक। अब 14 का टेबल इसमें देखिए, 14 5 70, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 14 4 से देखते हैं कितना आएगा, 14 5 से ही आई थिंक जाएगा 5, राइट करता हूँ मैं यहाँ पे, 5 5 20 5 कैरी 2, 5 4 20 and 2 22 कैरी 2, 5 5 5 2 7, 725, ओके 145 की जब मैं 5 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 725, ठीक। तो जो 725 हमारा है इस और 707 है, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस कितना आएगा? 15 - 7 8, 15 - 7 8, 15 - 7 गया 8 आपका यहाँ बचता है। यहाँ कितना बचा आपका? 1, ठीक है 1। तो आपका 18 इसका डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 18 ऐड कर दूँ तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐड की बात चल रही है बेटा, अगर सब्ट्रैक्ट होती तो हम इससे कम ही डिजिट लेते, घटाना था, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ने के लिए तो हमें ज़्यादा ही चाहिए, मोर, ओके। उसके लिए हम आगे कहते हैं तो इनका डिफरेंस कितना है? 18। अब जब डिफरेंस 18 है तो 18 मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सो 18 इज अ लिस्ट नंबर विच इज एट 2 5 6 0 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना होगा? 18। सो द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर इज 5 6 0 7 + 18, कितना आ जाएगा? 5 6 2 5, राइट 5 6 2 5। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट, इसका 5 6 2 5 कीजिए, 5 6 2 5, ओके। यहाँ पेयर बना लीजिए आपके, बन गए। नाउ 7 10 7 7 49, कितना बचा था बेटा आपका यहाँ? 16 - 9 7। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे क्या? नेक्स्ट पेयर 25, 7 ऐड किया हमने, 7 7 कितना हो गया यहाँ पे? 14। और 14 में ये कितने टाइम जाएगा? 5 times, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25 कैच 2, 5 4 से 20 and 2 22 कैच 2, 5 5 5 7। देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर डिजिट हो गई। और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा? 5 6 2 5 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका? 75, ओके। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है, 75 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके गोटेड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेवन आपका बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन में? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट।
फोर डिजिट का छोटे से छोटा नंबर लीस्ट नंबर फाइंड करना है विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर। ओके, फोर डिजिट का छोटे से छोटा नंबर हमें ऐसा फाइंड करना है जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फोर डिजिट का नंबर्स कैसे राइट करते हैं, ठीक है, या फोर डिजिट के नंबर होते कौन से हैं, ठीक। तो किसी भी डिजिट, कितने भी डिजिट्स का जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना होता है, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या, सबसे पहले 1 राइट करेंगे। अब देखिए फोर में से एक डिजिट तो आ गई, बाकी की आपकी जो 3 डिजिट बची ही आ गई, राइट। तो ये आपका कितना आ गया, 1000, ये 4 डिजिट नंबर है। अब देखिए अगर मैं इसमें से एक सिंगल नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये 4 से 3 डिजिट्स में आ जाएगी, 3 नंबर्स ऑफ डिजिट में आ जाएगी, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमें इसमें कुछ भी करके, कुछ ऐड करके ही आपका लिस्ट नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक। क्योंकि अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 3 डिजिट हो जाएगी। तो अब मुझे इसका सेम आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किससे, डिवीज़न मेथड से। यहाँ पे पेयर बना दिए मैंने, कितना है, 3 3 9, 10 - 9 आपका 1 आ गया, यहाँ पे फिर से क्या आया, 100। अब मैंने यहाँ 3 ऐड किया, 3 3 कितना हो गया आपका, 6। अब 6 को 1 टाइम करूँगा तो कितना आ जाएगा, 61। मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 टाइम्स, क्योंकि ऐड करना है, 2 2 4 एंड 2 6 12, ओके, 2 टाइम्स किया या इसका डिफरेंस फाइंड किया, कितना आएगा, 4 - 0 4, 2 - 0 2, 24 डिफरेंस आया इसका। तो इफ़ वी एड 24 इन द 1000, यदि मैं 1000 में आपका 24 ऐड करूँ तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और कितने अंकों का मिल जाएगा, 4 डिजिट्स का, कितने डिजिट्स का, 4 डिजिट का, जो कि मुझे यही फाइंड करना था कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, लीस्ट नंबर फाइंड करना था, जो कि आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। सो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1000 प्लस 24 इज इक्वल टू 100, ये आपका आ गया, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड आल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, और बाद में उस नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ओके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट करेंगे, कीजिए आपका इस एक्सरसाइज को फिनिश ही कर लेते हैं, इसमें आपका ओनली 1 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा। अब मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो ये आगे पहुँच जाएगा, 7 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या कंफर्म होगा कि हमें इसमें सब्ट्रैक्ट का मेथड यूज़ करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी हमें क्या करना होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही आपको क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट। पेयर बना लिया, ये आपका पेयर हो गया। अब देखिए कितना आएगा, 9 9 81, ओके। सेपरेट कीजिए, 9 - 1 8 एंड 9 - 8 1 18 आ गया। नेक्स्ट पेयर राइट करता हूँ मैं, यहाँ से 9 ऐड कर दिया,
कितना है 80। ओके अब इसको डिवाइड कीजिए कितनी बार जाएगा, आई थिंक यहाँ से 2 या 3 टाइम्स, देखिए 9 टाइम्स ही जाएगा आई थिंक, मुझे लग रहा है 9 टाइम्स ही, देख लीजिए 9 9 81 कैरी 8, 9 8 72 एंड 8 80 एंड 9 1 9 एंड 8 17। ओके अगेन 9 में से 1 आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 एंड 9 8 माइनस 7 1। ओके अगेन यहाँ पे ऐड किया 9, अब यहाँ पे मैं 9 ऐड करूँगा कितना आएगा 9 9 8 9 9 18 कैरी 1 8 1 9 1 98। ठीक है अब कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे देखिए 9 टाइम्स ही जाना चाहिए आई थिंक, कर लीजिए 9 टाइम्स ही देख लीजिए, 9 9 81 कैरी 8, 9 8 72 एंड 80 कैरी 8, 9 9 81 एंड 89 कैरी 8, 9 1 9 17। ओके 9 9 81 कैरी 8, 9 8 72 एंड 80 कैरी 8, 9 9 81 एंड 89 कैरी 8, 9 9 7। उसका सब्ट्रैक्ट कीजिए 9 माइनस 1 8 9, 18 माइनस 9 9 एंड हेयर आपका क्या बचता है 8। ठीक 8 माइनस 1 1। अब ये 1998 जो आपका ये रिमाइंडर बच रहा है, इस रिमाइंडर को मैं अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। सो द परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -1 9 9 8 कितना आएगा 1 0 0 8 9, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है और इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 9 8 00 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 9 9 9, ये आपका स्क्वायर रूट आएगा। ओके इसी तरीके से आपको बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होगा, इसमें आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है गॉट इट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।